आपका मीडियम कौन सा था? अभी तक पिछली बार हिंदी था और इंग्लिश किया है मैंने। अच्छा अच्छा, पिछली बार आपका हिंदी मीडियम था, इस बार इंग्लिश कर दिया। पहला अटेम्प्ट है मेंस में? नहीं, ऐसे तो मैंने चौथी बार मेंस दे रहा हूँ, अभी तक हिंदी में दे रहा था। स्कोर आ नहीं रहा तब टू मार्क। अच्छा अच्छा, तो इंग्लिश लिया। बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ने टाइम मेन है कि ध्यान से अगर आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ही सही, तो आपको डेफिनेशन लिखने में वगैरह में आसानी हो जाती है। एनसीईआरटी आपका बेसिक अच्छा क्लियर कर देता है, जिसका यूज़ आपको यहाँ पे नॉर्मल कहीं भी डेफिनेशन में या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट क्रिएट करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक ही था, पेपर हमने लिख दिया है। करंट थोड़ा ज़्यादा था इसमें और पुराने क्वेश्चन थे यार। जैसे 1991 में किसी को नोबेल प्राइज़ मिला था ब्लू लेड के लिए, तो उसके ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा उस पर था। फिर NCAP पे भी एक सवाल था, वो क्लीन एयर पे WHO ने कुछ नई एक गाइडलाइंस डाली एयर क्वालिटी पे, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर भी कुछ क्वेश्चन था। तो करंट डोमिनेटेड थोड़ा था, पर ठीक था, पेपर अच्छा था, लिखने लायक था। कहीं कहीं पे ऐसा लग रहा था कि मतलब 15 मार्कर में कि वर्ड्स थोड़े कम पड़ रहे हैं, क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा गया उसमें वर्ड्स थोड़े कम पड़ रहे हैं, मतलब कंटेंट हमारे पास हो सकता है कम हुआ क्योंकि करंट डोमिनेटेड था, इसलिए शायद अभी वो ठीक था मिला जुला के। सर, मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी कितनी देर करना चाहिए कम से कम? कितनी देर वो आपके ऊपर है कि जब आप कंफर्टेबल हो जाएं लिखने में आप तब तक करिए, जब तक आपका राइटिंग का एक वो लेवल ना बन जाए कि आप पैराग्राफ के बदले पॉइंट वाइज में आ जाएं, ऑप्शनल छोड़ के, नॉर्मल और ऐसे छोड़ के GS में, तब तक लिखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से खास कर के लिखिए, टेस्ट सीरीज के पेपर से आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा, पर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ही लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, आपको ज़्यादा हेल्प करेगा एज़ कम्पेयर टू कि आप बहुत सारा टेस्ट लिख दें। पर टेस्ट लिखना ज़रूरी है कि हाँ, ताकि आप रिकॉल कर सकें, कि हैबिट में आ जाएँ रिकॉल करने के। NCERT का क्या अहमियत है सर मेंस के एग्ज़ाम में? बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ने टाइम मेन है कि ध्यान से अगर आप पढ़ रहे हैं NCERT ही सही, तो आपको डेफिनेशन लिखने में वगैरह में आसानी हो जाती है। NCERT आपका बेसिक अच्छा क्लियर कर देता है, जिसका यूज़ आपको यहाँ पे नॉर्मल कहीं भी डेफिनेशन में या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट क्रिएट करने में आपको हेल्प करेगा। तो NCERT तो बेसिक है, वो तो ज़रूरी है पढ़ना। आपका मीडियम कौन सा था? इंग्लिश मीडियम है सर, अटेम्प्ट मेरा तीसरा है। मेंस पहली बार दे रहा है? हाँ। चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। क्वेश्चन बहुत सही था, बहुत अच्छा था। हाँ, आज तो GS करंट में पढ़ता है ना? जी इकोनॉमी। हाँ, इकोनॉमी सिक्योरिटी वगैरह। जी तो क्या क्या पूछा गया था, मतलब बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, मतलब एक तो इरिगेशन और वगैरह से, इकोनॉमी से रिलेटेड जो क्वेश्चन था है ना, उससे संबंधित क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्वेश्चन तो ऐसे नेट पर उपलब्ध हो ही जाएंगे, लेकिन कॉमवेस क्वेश्चन बहुत मतलब दिक्कत नहीं था। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे, हाँ, तो इस बार का एकदम उसी ओरिएंटेशन में। अच्छा, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर किसी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा है अच्छे से, वो टैकल कर सकता है इजीली। सर, आपने जैसे आपने प्रीलिम्स आपका निकला सर, उस समय से मैच तक सर आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे किया था सर आपने? मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और उनके जो सुझाव थे उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा अपने आप को, और फिर मैंने यहाँ पे। सर, कुछ लोग होते हैं जो प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए आप? टेस्ट सीरीज, मैक्सिमम टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट की प्रैक्टिस। जी टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल रहता है सर। NCERT का कोई योगदान होता है मेंस के एग्जाम में? बहुत एकदम होता है। आप उसके NCERT में जो ल्यूसिड आपको स्टेटमेंट चाहिए, जो लिखने के लिए लाइन समझ चाहिए, वो आपको NCERT से मिलेंगी समझ में, एकदम ईजी लैंग्वेज में बताते हैं वो सब NCERT वाले, तो आप उससे बेसिक प्रिपरेशन कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपका मीडियम कौन सा था? अभी तक पिछली बार हिंदी था और इंग्लिश किया है मैंने। अच्छा अच्छा, पिछली बार आपका हिंदी मीडियम था, इस बार इंग्लिश कर दिया। जी। पहला अटेम्प्ट है ये मेंस में? नहीं, ऐसे तो मैंने चौथी बार मेंस दे रहा हूँ, अभी तक हिंदी में दे रहा था। स्कोर आ नहीं रहा तब टू मार्क। अच्छा अच्छा, तो इंग्लिश लिया है। क्या कारण है सर कि हिंदी में थोड़ा सा मतलब देखिए सिलेक्शन नहीं हो पाता और इंग्लिश में हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हिंदी वाले भी निकालते हैं, लेकिन मेरी अपनी कुछ फॉल्ट रहे हैं तो मैं उसकी वजह से नहीं निकल पाया। अच्छा, रिसोर्सेस जो थे वो अब तो मार्क नहीं थे जी। अब मुझे चूँकि इंग्लिश में पढ़ता ही था, लिखता केवल हिंदी में था। अच्छा अच्छा, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई अपने आप को चेंज करने में, मतलब मीडियम बदलने में। चलिए ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।